अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो है वो है सईद क्लिनिक के प्रोडक्ट्स के बारे में जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। एक इनका है ग्ले मास्क, एक गोट मिल्क क्लिंजर है और एक मड मास्क है। ठीक है, इन तीनों का रिव्यू दूंगी आज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है जी, वन बाय वन इनके प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। ओके, तो इनकी पैकिंग की बात कर लेते हैं। तो इनकी पैकिंग जो है वो इस तरह की पैकिंग में आती है। यहाँ पे इनकी इंस्ट्रक्शन कोई वगैरह नहीं दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह दी हुई इनके बॉक्स पे एक्सपायरी डेट, इंस्ट्रक्शन, हर चीज़ मेंशन थी। ठीक है, और प्राइस रेंज काफ़ी अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है गोट मिल्क क्लिंजर है, सेम एज इट इज़ ऐसे है। काफ़ी क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी बिग जार में आती है। और नेक्स्ट जो है वो ग्रीन क्ले मास्क है। ठीक है जी, ये देख लें। ठीक है, तो फर्स्ट इनकी वन बाय वन बात कर लेती हूँ। तो बताती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं। मुझे तो ये तीनों प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट लगे। मोस्ट फेवरेट एक बताऊँगी, वो सबसे लास्ट पे बताऊँगी। ठीक है, या मिड पे भी बता सकती हूँ, इसके लिए वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट जो है वो मड मास्क की बात कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। इस तरह जार ओपन करो तो एक लिड जो होता है वो होता है, उसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है, ये देखें। ठीक है, इस तरह की थिकनेस मुंह पे फेस मास्क की तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पोर्स को श्रिंक करता है, टाइट करता है स्किन को, नीट क्लीन करता है और ग्लो इफेक्ट देता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है। आप कुछ ना भी कर रहे हो तो जस्ट ये फेस मास्क लगाएं और आपकी स्किन रेडी हो जाती है। ठीक है, आपके डर्ट वगैरह पोर्स को श्रिंक कर देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस तो बहुत ही आला है और इनकी सेल्स वैसे भी लगती रहती हैं। मैंने इनको गैलरी से ऑर्डर किया था और उनका प्रोडक्ट मुझे बहुत जल्दी रिसीव हो गया था। और आप लेना चाहें तो इनको ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी इसकी थिकनेस है, बहुत अच्छे से पोर्स को, इसके रिज़ल्ट जो है बहुत बेस्ट है हुआ है। ठीक है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप लेना चाहें तो ज़रूर लें। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। जो प्रोडक्ट है वो है गोट फेस मिल्क क्लिंजर, और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो बहुत अच्छी है। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये देखिए, इतना सॉफ्ट टेक्सचर का क्लिंजर है, ये इतने अच्छे से बटरी कंडीशन है और स्किन को इतना सॉफ्ट कर देता है ना आपकी, जिसकी कोई हद नहीं। बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सिल्की स्किन को कर देता है और डर्ट बहुत अच्छे से रिमूव करता है ये। और ये मेरी तरफ से बेस्ट एवर क्लिंजर है। अब मैं डेली बेसिस पे आप इनको क्लिंज कर सकते हैं और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये क्लिंजर। और आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनके प्रोडक्ट्स एलोवेरा जेल, रोज जेल, बहुत अच्छी अच्छी फेस वॉश इनके बहुत अच्छे हैं और प्राइस रेंज तो बहुत अच्छी है इनकी। पाकिस्तान का बेस्ट वो है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इनका। जो फेयरनेस उपटन है उस पर अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, वो तो मेरा मोस्ट फेवरेट है और इसका रिव्यू अलग से दूंगी। तो जिसने ये लेना है वो जाके ले सकता है। और इसकी फ्रेगनेस की बात करें तो बहुत ही माइल्ड सी फ्रेगनेस है और बहुत हाइड्रेटिंग है। एज अ मॉइस्चराइजर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इससे अच्छा आपको क्या चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर किसी ने लेना है तो जाके ले सकता है, ऑल स्किन टाइप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम ग्रीन क्ले मास्क की बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये इसमें स्मॉल स्मॉल से पार्टिकल्स है, लेकिन ये एज अ मास्क यूज़ करना है आपने। और ये इसके इफेक्ट्स जो हैं बहुत ही बेहतरीन है। ये आपकी स्किन को लगाते इतना कूलिंग इफेक्ट देगा ना जिसकी कोई हद नहीं है। इसकी इंस्ट्रक्शन, हर चीज़, एप्लीकेशन, नेटवर्क कितना है, हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है। और आप देख सकते हैं मैं कितना सा रह गया, मैं कितना यूज़ करती हूँ इसे। मड मास्क और ग्रीन मास्क में से आप कंपेरिजन करके अगर आप एक लेना चाहते होंगे तो आप ग्रीन
मास्क मैं आपको रेकमेंड कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही स्किन को सॉफ्ट कर देता है और इतना हाइड्रेट कर देता है, स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। जैसे कि गर्मियाँ आजकल, तो हमारी स्किन को हाइड्रेशन कूलिंग इफेक्ट की ज़रूरत होती है, तो ये मेरी तरफ से रेकमेंडेड है तीनों प्रोडक्ट्स में से फर्स्ट। तो आप लेना चाहें तो इसे ज़रूर बाय कीजिएगा, ठीक है जी। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।